अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। आज मैथमेटिकल इंडक्शन का लेक्चर टू है। लेक्चर वन में मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन पर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था और मैथमेटिकल इंडक्शन को एक्सप्लेन किया था कि इसकी स्टेप्स क्या है। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकल इंडक्शन पर मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1³ + 2³ + 3³ up to n³ दिस इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब हमें ये प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। तो सबसे पहले हम लेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 लेंगे। लेफ्ट साइड पर जब हम n की जगह 1 लेंगे तो हमारे पास आएगा पहला टर्म 1³। दिस इज इक्वल टू राइट साइड पर भी n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 × 1 + 1 होल डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। 1³ बराबर है 1 के। 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2, 2 × 1 2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। 2 divided by 2 दिस इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर। 1² इज इक्वल टू 1। तो देखिए हमारे पास दोनों साइड्स बैलेंस है, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास देखिए रिजल्ट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। फर्ज करें हमारे पास ये रिजल्ट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। जब हम n की जगह k पुट करेंगे तो ये रिजल्ट ट्रू होगा, 1³ + 2³ + 3³ + k³ दिस इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 divided by 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, n की जगह हम पुट करेंगे k प्लस 1 को, 1³ + 2³ + 3³ + n की जगह अब पुट करेंगे k प्लस 1 को, k+1³। दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 को पुट किया हमने, होल डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां पर n इज इक्वल टू k है, यानी इक्वेशन 1 में k टर्म्स है। लेफ्ट साइड पर टर्म्स की तादाद क्या है, k है। और यहां पर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी इससे एक टर्म ज्यादा है। इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में इक्वेशन 1 से एक टर्म ज्यादा है। अब कौन सा वाला टर्म ज्यादा है? फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है, सेकंड टर्म सेम है, थर्ड टर्म सेम है, तो k प्लस 1 जो है ये इससे ज्यादा है, क्योंकि k प्लस 1 से आगे k+1³ से आगे आएगा k³, यानी ये टर्म। अगर हम k+1³ को इक्वेशन 1 के बोथ साइड्स के साथ ऐड कर ले तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड आ जाएगा, एडिंग k+1³ टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के बोथ साइड्स के साथ k+1³ को ऐड कर लेते हैं, 1³ + 2³ + 3³ up to k³ + k+1³। k+1³ को मैंने इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड के साथ ऐड कर लिया तो देखिए इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वेशन 2 की बिल्कुल बराबर हो गया है, यानी 1³ से लेकर k+1³ तक ये सीरीज बन चुका है। और यहां पर भी है 1³ से लेकर k+1³ तक। अब राइट साइड के साथ भी ऐड कर लेते हैं, k × k+1 / 2² इसके साथ भी k+1³ ऐड कर लेते हैं। तो हमारा टारगेट ये होगा कि इक्वेशन 2 बनाना होगा इस इक्वेशन से। लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन राइट साइड को अब सिंप्लीफाई करेंगे ताकि ये राइट साइड जो है ये बन सके। दिस इज इक्वल टू,
यहाँ पर स्क्वायर है, k इंटू के प्लस वन डिवाइड बाई टू होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर k पर अलग लेंगे, k प्लस वन पर अलग लेंगे और 2 पर अलग लेंगे, तो ये बन जाएगा k स्क्वायर इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पर जब स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस के प्लस वन होल क्यूब अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम है 4, 4 डिवाइड बाई 4, तो यहां पर रह जाएगा 1, 1, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा के स्क्वायर इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर प्लस के प्लस वन होल क्यूब के डिनोमिनेटर में यहां पर 1 है, 4 डिवाइड बाई 1, तो ये होगा 4, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसे कॉमन ले लेते हैं, इसमें के प्लस वन होल स्क्वायर कॉमन है तो यहां पर रह जाएगा के स्क्वायर प्लस यहां पर रह जाएगा 4 इंटू के प्लस वन होल क्यूब है, के प्लस वन होल स्क्वायर कॉमन निकल चुका है तो यहां पर एक के प्लस वन बाकी रह जाएगा, होल डिवाइड बाई 4, दिस इज इक्वल टू के प्लस वन होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, 4 को के प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई कर लेती है, 4 इंटू के 4 के, 4 इंटू 1 4, होल डिवाइड बाई 4, के प्लस वन होल स्क्वायर इंटू, अब देखिए इससे फार्मूला बनाना है, के स्क्वायर जब हम k का स्क्वायर लेंगे तो वापस k स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे तो यहां पर 4 वापस आ जाएगा प्लस ट्वाइस, फर्स्ट टर्म हमारे पास k है, सेकंड है 2, जब हम 2k और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहां पर होगा इसका आंसर 4k वापस आ जाएगा इससे, होल डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास ये फार्मूला बन चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह यहां पर k है और b की जगह यहां पर 2 है, होल डिवाइड बाय 4। अब स्क्वायर को होल पर शिफ्ट कर लेते हैं, अगर हम इस तरह लिख के इसको k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर को अलग अलग ले ले, k प्लस 1 पर अलग ले ले तो ये टर्म k प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, k प्लस 2 पर अलग ले ले तो यहां पर आ जाएगा k प्लस 2 होल स्क्वायर, 2 पर अलग ले ले तो यहां पर आ जाएगा 4। अब हमारी पास यहां पर हमें k प्लस 1 बनाना होगा k प्लस 2 से, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, 2 की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। देखिए ये रिजल्ट हमारे पास बन चुका है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये रिजल्ट जो है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हिंस By mathematical induction, the given result is true. हमारे पास ये result जो है ये true result है, हमने mathematical induction की मदद से ये prove कर लिया है। अब इस पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू n इंटू n फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूव कर लेते हैं, प्रूफ फॉर n इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 पुट कर लेते हैं तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास आएगा पहला वाला टर्म 1 इंटू 1 फैक्टोरियल और राइट साइड को n की जगह 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1,
वन इंटू वन फैक्टोरियल हमारे पास बराबर है वन का, वन का वन प्लस वन दिस इज इक्वल टू टू, टू फैक्टोरियल माइनस वन, वन मल्टीप्लाइड बाई वन तो ये होगा वन, टू फैक्टोरियल बराबर है टू मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस वन अपनी जगह पर आ जाएगा, वन इज इक्वल टू टू इंटू वन टू माइनस वन, टू माइनस वन तो ये होगा वन, तो देखिए ये दोनों साइड बैलेंस है, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, अब हम एन की जगह के फुट करेंगे, वन इंटू वन फैक्टोरियल प्लस टू इंटू टू फैक्टोरियल प्लस थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अप टू के इंटू के फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू के प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर वन। हमने ये सपोज कर लिया है कि ये रिजल्ट ट्रू है, अब फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन ले लेते हैं, एन की जगह के प्लस वन फुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, वन इंटू वन फैक्टोरियल प्लस टू इंटू टू फैक्टोरियल प्लस थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू के प्लस वन इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू के प्लस वन होल फैक्टोरियल माइनस वन, हमारे पास ये हो गया इक्वेशन नंबर टू बन गया है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर के टर्म्स है इक्वेशन वन में और इक्वेशन टू में के प्लस वन टर्म्स है, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये दोनों सीरीज फॉर्म में है, तो यहाँ पर पहला वाला टर्म दोनों का सेम है, सेकंड टर्म सेम है, थर्ड टर्म सेम है, तो इसका मतलब ये इसमें एक टर्म ज्यादा है, कौन सा वाला लास्ट टर्म जो है ये ज्यादा है, ये इक्वेशन वन के साथ ऐड कर लेते हैं ताकि इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के साथ बराबर हो जाए, और राइट साइड के साथ भी ऐड करेंगे ताकि इसका राइट साइड इसके राइट साइड से के साथ बराबर हो जाए, एडिंग के प्लस वन इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन वन की बोथ साइड्स के साथ इसको ऐड कर लेते हैं, वन इंटू वन फैक्टोरियल प्लस टू इंटू टू फैक्टोरियल प्लस थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू के इंटू के फैक्टोरियल प्लस के प्लस वन इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल, लेफ्ट साइड के साथ हमने ऐड कर लिया है तो इसके लेफ्ट साइड के साथ बिल्कुल बराबर हो गया है, अब राइट साइड के साथ भी ऐड कर लेते हैं, के प्लस वन इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल और इसका राइट साइड है के प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन। अब इस राइट साइड से हमें इक्वेशन टू का राइट साइड बनाना है, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इन दो टर्म्स में के प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर रह जाएगा के प्लस वन और यहां पर रह जाएगा प्लस वन और माइनस वन अपनी जगह पर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू के प्लस वन फैक्टोरियल इंटू के प्लस वन तो ये हो गया के प्लस टू माइनस वन। फैक्टोरियल के डिफिनेशन में हमारे पास ये रूल्स है, जब हम एन फैक्टोरियल के साथ एन प्लस वन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो बन जाता है एन प्लस वन फैक्टोरियल, इसी तरह अगर हम एन प्लस वन फैक्टोरियल के साथ एन प्लस टू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाता है एन प्लस टू फैक्टोरियल, बिल्कुल ये रूल यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, के प्लस वन फैक्टोरियल के साथ अगर हम इससे एक नंबर ज़्यादा यानी के प्लस टू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाता है के प्लस टू फैक्टोरियल और माइनस वन अपनी जगह पर आ जाएगा। अब हमारे पास टू की जगह यहाँ पर रहे वन प्लस वन, तो हम टू को इस तरह भी लिख सकते हैं वन प्लस वन फॉर्म में, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन टू का राइट साइड बन चुका है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि ये रिजल्ट जो है ये भी ट्रू रिजल्ट है, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, हिंस
बाई मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो गया है। इसी तरह की और क्वेश्चन आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 में मिलेंगे। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। शुक्रिया।